ये बच्चों की अभिव्यक्ति और जिनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, वो दोनों पुण्य आत्मा निश्चित ही कहीं होंगी। तो हम सबके द्वारा उनको दी जा रही भावभीनी श्रद्धांजलि निश्चित ही वो स्वीकार कर रहे होंगे। आज हमारे बीच में नहीं है, किसी ने खूब कहा है कि बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां सुनते सुनते। आज वो हमारे बीच में नहीं है, जयगोपाल कोरवाल जी और हमारे मनोज कोरवाल की माता जी गायत्री कोरवाल जी, हम सब एक जगह इकट्ठा होकर उनको अपने अंतःकरण की गहराइयों से भावभीनी श्रद्धांजलि अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में बहुत सम्मानित लोग इस प्रांगण में बैठे हैं, आदरणीय रामपाल राठौर जी, आदरणीय कैलाश अवस्थी जी, आदरणीय माधवराम दुबे जी, कभी जिनका आशीर्वाद मुझे मिला और आज उनका लगाया हुआ पेड़ एक वृक्ष बना, ऐसे आदरणीय माधवराम दुबे जी को भी मैं बहुत बहुत आज धन्यवाद देती हूँ इटावा की विधायक के नाते। आदरणीय राम नरेश यादव जी, आदरणीय सी के शुक्ला जी, अरविंद गोरवा जी, प्रदीप पांडे जी, डॉक्टर योगेंद्र दुबे जी और हमारे डॉक्टर रामस्वरूप यादव, और आज जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित करके आप सबसे मिलने का अवसर प्राप्त कराया। मेरे साथ मेरी बहन, मेरी साथी विधायक खतना से सावित्री कटेरिया जी, और हमको बुलाकर आप सबसे मिलने का अवसर प्राप्त कराया। ऐसे हमारे छोटे भाई आदरणीय मनोज कोरवाल जी और मेरी बहुत ही सच्ची बहन नीता कोरवाल जी, उनका पूरा परिवार, उनका बेटा, उनकी बहू, उनके बड़े भाई और सारे परिवार के लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और उनके साथ अपने शब्दों से उनके पूर्वजों को उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम हमारे बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे थे, ये कोई बोलने का अवसर नहीं है, लेकिन फिर भी जो अच्छे लोग होते हैं वो कभी हमारे बीच से जाते नहीं। उनकी यादें, उनके किए हुए काम सदैव हमारे बीच में जीवंत रहकर हमको उनकी स्मृतियों में जीने का काम करते हैं, उनकी याद दिलाते हैं। वैसे तो हम सब लोग कहा करते हैं कि न कुछ लेके आए और न कुछ लेकर जाएंगे। हमारे मंगल भदौरिया भी बैठे और हमारे दूसरे उनके बड़े भाई भी भदौरिया साहब बैठे, हमारे यहाँ हम लोग कहते हैं कि ना कुछ हम लेकर आए और ना कुछ लेके जाएंगे, खाली हाथ आए और खाली हाथ जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ना हम खाली हाथ आए और ना हम खाली हाथ जाएंगे, हम सब कुछ लेकर आते हैं और कुछ लेकर जाएंगे। हम भाग्य साथ में लेकर आते हैं और अपने कर्म साथ में छोड़कर जाएंगे। जो हमारा भाग्य है, जो ईश्वर ने लिखकर हमारे मस्तक पर भेजा है, उसके अनुरूप हम समाज में अपना चरित्र, अपने व्यक्तित्व और अपने लिखे हुए भाग्य के सहारे अपने जीवन को बिताने का काम करेंगे। और लेकिन हम जब जाएंगे तो इतने अच्छे कर्मों के साथ हम अच्छे कर्म करें। हमारे यहाँ तो कहा भी गया कि कर्म प्रधान भाग्य रच राखा, कर्म की प्रधानता को हम अपने जीवन में अगर आगे लाएं और अच्छे कर्म करते हुए सत्कर्म के साथ अगर इस दुनिया से जाएं, क्योंकि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, जो भी आया है उसे जाना पड़ेगा, लेकिन हम अच्छे कर्म करके जाएंगे तो लोग और उनकी स्मृतियां हमें सदैव जीवित रखेंगी। आज के अवसर पर मैं
मैं अपने दोनों पूर्वजों को बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने भाई मनोज पोरवाल और बहन नीता पोरवाल को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हुए जो अपने पूर्वजों की स्मृतियों में सारे बच्चों के द्वारा उनको प्रोत्साहित करके उनको उत्साहित करके और एक अच्छे कार्यक्रम के माध्यम से उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मैं विद्यालय परिवार को भी बहुत धन्यवाद दूंगी, बधाई दूंगी कि बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुति उनके द्वारा छोटे छोटे बच्चों के द्वारा कराई जा रही है, निश्चित ही अच्छी तैयारी है। इस नाते में विद्यालय परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ और अपने बेटे जो हमारे मनोज कोरवा जी का बेटा है उसको बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ कि वो अच्छे से अपने जीवन में अपने दादा के आचरण को उतारते हुए अच्छे अच्छे काम करे और इस विद्यालय को और हम सबका नाम समाज में, भर्तना में, इटावा में और भी आगे ले जाने का काम करे। मैं उसको बहुत शुभकामना देती हूँ, विद्यालय अच्छा चले, अच्छी गति पकड़े। इस नाते भी इस विद्यालय के समस्त स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मुझे लगता है कि आज के अवसर पर कुछ बहुत बोलने का अवसर नहीं है। आज हमारे यहाँ इटावा में नामांकन भी है, कल आपके यहाँ भी नामांकन हुआ, निश्चित ही व्यस्तता का समय है लेकिन फिर भी आप सबके बीच में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा और अपने तमाम पुराने साथियों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम सब मिलते रहते हैं, एक दूसरे से हमारा मिलना जुलना होता है। हमारे मनोज पोरवाल जी इस बीच में काफी अस्वस्थ भी रहे, वो शीघ्र ही स्वस्थ हों, वैसे तो बहुत पॉजिटिव है और जल्दी स्वस्थ हो रहे हैं और होंगे भी, अच्छे लोग, ईश्वर उनके साथ भी अच्छा करता है और अच्छा करे, ऐसी मेरी शुभकामना उनके साथ है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने पूर्वजों के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मुझे लगता है कि आज के अवसर पर केवल इतना ही पर्याप्त है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।